गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। हम भी अमृतसर में बिल्कुल सही हैं। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह उठे हैं, पूजा और हेमा तैयार हो रहे हैं, ये अपने बैठ के चाय पीने की तैयारी करने लगे हैं। मैंने उठेगा, मैंने कहा चलो मैं आपको गुड मॉर्निंग कर दूँ। अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। हाँ, जलियांवाला बाग जाएंगे, तो उसके बाद फिर मार्केट में जाना है। थोड़ा पूजा ने, हेमा ने, हमने जो शॉपिंग करनी है हम करेंगे। इनसे पूछ लेंगे इन्होंने क्या शॉपिंग करनी है, आपने क्या शॉपिंग करनी है, मैं देखेंगे। वहां जाके देखेंगे कि क्या खरीदना है, हमें अपना देखते हैं कि हमने क्या लेना है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, अभी बस मैं तैयार हो रही हूँ। सुबह सुबह की जो चाय है हमने रूम में ही मंगा ली है। बस पूजा जरा सी चाय पीती है सिर्फ रस डिप करने के लिए, और ये भूख लग रही है तो कोई बात नहीं, रस खा ले दो चार। अभी बाहर जाके तैयार होके खाते हैं। मेकअप हल्के हल्के हो गए। हेमा ने देखो नई ड्रेस पहनी है, बिल्कुल मेरे जैसी है गाइस, बिल्कुल मेरे जैसी। इसने भी ली है सेम कलर, भी सेम कलर भी सेम ही है, क्योंकि एक ही उसी दुकान से तो लिया है। आप भी चाय पियो, नहाओ फटाफट। और माजी एक का ना कमेंट आया था, हाँ, कि आपने मासी जैसा ही क्यों ले लिया। हमने दिखाया था ना शॉपिंग के वक्त में, हाँ, कि ने सेम ही क्यों ले लिया, लगता मासी जैसा ही अच्छा नहीं किया। अच्छा मैंने अप्लाई भी किया, मैं बात है हम बहनें एक जैसा पहनती है, हमें तो अच्छा लगता है। और जैसे इसका मेरा ब्लू सूट है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशल डालते हैं कि कहीं जा रहे हैं तो एक जैसा डालें। ट्यूनिंग होगी, ट्यूनिंग। चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। सोच है बस। बस मैं और ये अब हम तैयार हो गए हैं। मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है जो अपने जन्मदिन पे पहनी थी, वही वाली पहन रही है। देखो दोनों की दोबारा ट्यूनिंग होगी ब्लैक ब्लैक से। तो अब गाइस हम जा रहे हैं, पूजा और हेमा नीचे चली गई हैं, तो पहले कुछ खाएंगे उसके बाद हम जलियांवाला बाग में जाएंगे। ये वो ड्रेस है जो गिफ्टेड आई थी बर्थडे पे। चलो चलते हैं। चलो। जैसे हम कमरे में थे तब अच्छा लग रहा था, जैसे बाहर आए हैं इतनी ठंड है, इतनी ठंड है मैं समझ नहीं आ रहा। और आज धूप बिल्कुल नहीं निकली, बिल्कुल जैकेट लिया ऊपर से जाओ। अरे ठीक है, ले आओ जैकेट। अरे चेंज करना चाहिए। हां, बिल्कुल इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, कोई धूप नहीं है, बहुत ठंड है। चलो ठंड है, ठंड के अपने मजे मजे लेते हैं ठंड में। चलो, हमने मंगाई थी पूरी जो दिल्ली में मिलती है, पूरी पतली पतली होती है, मगर ये भटूरे है, इन भटूरों को ये पूरी बोलते हैं। तो हमने तो पूरी मंगाई थी, उन्होंने भटूरे ला दिए, कहते नहीं पूरी है, हम कह रहे भटूरे हैं। कोई बात नहीं, खाने तो पड़ेंगे, खाने पड़ेंगे। मैं ये मोटे हैं, ये भटूरे हैं गाइस, इधर पूरी बोलते हैं। अब खाओ। चलो खाए। और पूजा के आएंगे नूडल्स। हाँ हाँ, पूजा तेरे भी आ गए नूडल्स। हाँ, पता नहीं बना के रखे हुए थे क्या तेरे? हाँ? फास्टिंग काम है सारा, जो मांगोगे एक मिनट से पहले मिलेगा। अच्छा, ये गरम गरम है बढ़िया। भाई जलियांवाला बाग में हमने एंट्री कर ली है, अंदर बहुत चेंज हो गया है। जब हम पहले आए थे ऐसा नहीं था, हमें पता है, मुझे तो पता ही था कि चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बस अच्छा, ये बहुत चेंज हो गया नहीं? हाँ, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। ये ऐसे नहीं था सारा, काफ़ी डिफरेंट हो गया, काफ़ी से काफ़ी डिफरेंट हो गया। आज 6 जनवरी है, और आज मुझे बैठे बैठे अभी अभी याद आया, दिमाग में था अब याद आया कि आज 6 जनवरी को मेरा पहला ब्लॉग आया था। आज मैं ब्लॉगिंग करते हुए पूरे हेमा साल हो गया, अभी सब्सक्राइबर भी बहुत मुझे मिले हैं, और मैंने नहीं किसी का आपको दिखाया। कोई कंफर्टेबल होते हैं, कोई नहीं होते। अभी हम खा पी रहे थे तो वहाँ पर गोलू और पायल के गाने चल रहे थे, इंस्टाग्राम देख रहे थे। हाँ, तो उन्होंने हमें पहचान लिया, वो कहते कृतिका की मम्मी है, तो मर जाने की बोली है। हाँ, तो अभी आज हमारे को पूरा साल हो गया ब्लॉग करते हुए। 6 जनवरी को मेरा पहला ब्लॉग आया था, आज फर्स्ट एनिवर्सरी है। बाकी अंदर चलते हैं, आपको मैं सारा दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब चेंज हो चुका है, काफ़ी बहुत ज़्यादा अब चेंज हो गया है। काफ़ी साल पहले आए थे तो मैंने देखा था टेलीविजन में, जब मोदी जी ने उद्घाटन किया था तब देखा था मैंने, मगर पूरा नहीं देख पाए थे। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, आई बहुत ज़्यादा पब्लिक भी, क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, सुबह के टाइम है बहुत क्राउड है। ये वो कुआं है, ये कुआं सारा दिख रहा है जहाँ पर सारे शहीद हुए। हाँ, शहीद हुए थे कुआं। मैं आपको पूरी तरह नहीं दिखा सकती क्योंकि गोलियाँ चलाई थी, और ये अंदर तक है तो आगे शीशा लगा हुआ है, तो एक कुआं है। लोग इस कुएं में पैसे डाल देते हैं ऊपर से, तो उन्होंने मना कर रखा है कि प्लीज डू नॉट थ्रो मनी इन द वेल। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे यहाँ पर जलियांवाले बाग में मिले हैं,
वैसे तो बहुत मिले हैं मुझे, मैंने किसी की फोटो वगैरह, कहीं कंफर्टेबल होते हैं कहीं नहीं होते हैं, तो ये भी मिले हैं, कह रहे हैं आंटी हम आपके ब्लॉग देखते हैं, पायल जी के, अरमान जी के, सब देखते हैं, थैंक यू सो मच। जहाँ पर गोलियां चली थी ये गलिया वाले बाग में, ये वही वाली बॉल है, देखो सब इन्होंने मार्क कर रखा है, देखो ये गोलियों के सारे निशान है पूरी। आपको मैंने कुआं भी दिखाया जहाँ पर कुएं में सब सब गिरे थे। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये भी है, हमें मेट्रो में मिले थे एक बार, मम्मी के घर जा रही थी, आज देखो अचानक हमें अमृतसर में मिल गए, मतलब दोबारा देख लो आपसे सबसे मुलाकात हो गई है। ये इनकी बेटी है, ये भी मिली थी, हमारे चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं जो हमें कहीं ना कहीं छोटा सा बेटा। हेलो करो दीदी, हेलो करिए। मैं कहे देखो इतना बड़ा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर टक्कर जाता है, फैमिली मिल जाती है, फैमिली हमारी यूट्यूब फैमिली हमें मिल जाती है, इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, कहीं ना कहीं मिल जाती है। आपको कैसा लगा आके यहाँ? बहुत अच्छा लगा, ठंड बहुत ज्यादा। आज हमारे सारे सब्सक्राइबर हमें जलिया वाले बाग में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये देखो इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो मैं तो फोटो खिंचवा चुकी हूँ, मैंने कहा आप फोटो खिंचवा लो। ये गाइस अमर ज्योति है, जो कि हमेशा जो हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में है, और यहाँ पर जूते उतार के अंदर आने देते हैं, तो हमने जूते बाहर उतार दिए, तो हम मैंने आपके लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये क्लिप लिया। जूते बिल्कुल बाहर उतारने होते हैं, पूजा अब डाल रही है, मेरी चप्पल ये पड़ी हुई है, बस मैं भी पहनने लगी। चलो कंचन हमें मिल गई है, ये अलग थे सुबह हमारे से, तो हमें मिल गए हैं। अब कंचन शॉपिंग करने चले? हाँ जी। हेमा और पूजा कह रहे हैं थोड़ा बहुत जो लेना है ले लो, कल टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है। ये देखो इनको, ये कंचन की जैकेट बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मैं भी लूंगी ऐसी, अच्छी लग रही, नहीं ली है, अच्छी लग रही, इसकी कैप बहुत अच्छी है डिजाइन, और इसका स्वेटर भी नया है। देख लो बच्चों को जब बाहर आना होता है कितना क्रेज होता है कि नए नए कपड़े ले लो, पर सुंदर भी लग रहे हैं। तेरी माँ जैसी जैकेट लूंगी मैं। हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, बस अब देखते हैं कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट, आम पापड़, बढ़िया, ये जो होता है पंजाब में मेन है, बढ़िया पापड़ ये खरीदते हैं। देखो पापड़ बड़े, अब देखते हैं कि क्या लेना है, बहुत बड़ी शॉप है ये। बस यहाँ से ये स्वीट लेमन अचार और ये हरी मिर्च का अचार, ये सब चाट मसाला, ये क्या है अनारदाना परांठा मसाला, ये सब लिए हैं, ये पापड़, ये वड़ियाँ, ये ड्राई फ्रूट, और ये तो बच्चे शौक से खाते ही हैं, हाँ आम पापड़ तो सारे ही खाते हैं। तो ये सब हमने यहाँ से दुकान से शॉपिंग लेके गए हैं, कि पिछली बार भी कंचन यहीं से लेके गई थी तो कहते हैं बहुत अच्छा निकला, इसलिए हमने भी यहीं से सारी शॉपिंग कर ली है। तो मिले हम, मिलवाओ मासी, तो दिलजीत जी है, मिले हुए थे, हम शॉपिंग कर रहे थे तो हम सबको यहाँ पे मिल गए। अच्छी बात है ना। हाँ जी, आप कब आए हो? हम आज ही जा रहे हैं। अच्छा आज ही आप जा रहे हो, चलो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी अभी चीना का फोन आया था कि मम्मी मेरे लिए भी येलो सूट ले लेना प्लेन में, क्योंकि फुलकारी चुन्नी आपकी पड़ी है, आप कौन सा इतना पहनते हो, तो येलो ले लो, मेरा मजेंटा है उसका येलो, उसकी येलो ले लिया मैंने, ये सूट 5 मीटर सूट है, कह रहे हैं कि वो पटियाला सलवार बन जाएगी। और मैंने और हेमा ने सेम एक जैसी ट्यूनिंग की है, दोबारा एक जुत्ती ली है, ये जुत्ती सेम एक जैसी ली है, क्योंकि हेमा और मेरे को सेम एक जैसी पसंद आती है, क्योंकि दोनों की माँ भी एक ही है, इसलिए चीज़ें भी एक जैसी लेते हैं। हाँ चलो आए हैं तो शॉपिंग तो बनती है। ये अपना चले गए होटल में, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कहते मैं शॉप पे जा रहा हूँ मुझसे इतना नहीं चला जाता, और शॉप पे सॉरी होटल में जा रहा हूँ मुझसे इतना नहीं चला जाता। येलो कलर गाइस बताना आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, प्लेन है। मैंने एक जुत्ती और ली है, वो कंचन वगैरह मेरे साथ थी तो फटाफट हम किसी शॉप में घुस गए, ये आ गए, तो ये एक मैंने लेदर में ली है, सुंदर लग रही है। हाँ एक गोल्डन ले ली, एक लेदर में ले ली, सही है ना पूजा, देख अच्छी है। हाँ एक मैंने ले ली ब्राउन है ना, ये भी सबके साथ गोल्डन ब्राउन सबके साथ मैच हो जाता है। हाँ चल ये देखो, ये कहते हैं मुझसे चला नहीं जाता, मैं अभी मैं जरा बीमार है, तो इनको लग रहा था कि मैं शॉपिंग ना करूं, तो ये देखो ये अपना बैठ के शेव कराए हैं, रेस्ट भी हो गई इनकी, शेव भी हो गई, ये काम अच्छा किया है। सुबह से यही कही जा रहे थे मुझे शेव करनी है, शेव करनी, असल में इनको आदत ही है ना कि शेव में ये करके पसंद करते हैं। हाँ जैसे किसको अच्छा लगे, अब सही लग रहा है, अब कल तो नहीं करनी पड़ेगी ना, अब घर जाके परसों करेंगे।
अमृतसर में आओ और चूर चूर ना खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। पूरे अमृतसर में मशहूर ही चूर चूर नान है, अमृतसरी जो नान है, इसमें आलू प्याज और पनीर और गोभी मिक्स है, और साथ में छोले हैं, साथ में ये प्याज वाली चटनी है। मक्खन तो जितना मर्जी लो, अब इससे ज्यादा नहीं खाया जाता। पूजा ने और हेमा ने, मैंने और इन्होंने ये लिया है, और कंचन वगैरह, ये कंचन वगैरह रोटी लोगे, ये रोटी खा रहे हैं, कह रहे हैं हम रोटी खाएंगे। तो हमने सुबह कुछ और खा लिया था और इन्होंने नान खा लिए थे, अब हम नान खा रहे हैं, ये कुछ और खाएंगे। चलो खाओ फिर। खाना सबने खा लिया है, बच्चों ने पी है पेप्सी, तीन गिलास इन बच्चों के बना दिए, बाकी छः, हम नौ बंदे आए हैं, तीन बच्चे हैं जो पेप्सी पिए है और हम छः आई हैं चाय, क्योंकि हमारा चाय के बिना गुजारा नहीं है। हेमा, हमारा चाय के बिना गुजारा है? रात को यहाँ का टेम्परेचर गाइस जीरो था, बिल्कुल जीरो। बस लंच करके सीधा हम बैटरी रिक्शा में बैठ गए, अब हम जा रहे हैं दुर्गाना मंदिर, तो करके ठंड बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेमा ने देखो उस स्वेटर के ऊपर दोबारा स्वेटर पहना है, इसने देखो इसने अंदर मतलब एक स्वेटर और पहना है, और इन्होंने अपनी देखो जैकेट पहन ली है, और मैं वैसे ही हूँ, कोई बात नहीं, मैं इन लोगों के इनको देख देख के खुश हो लूंगी, कोई बात नहीं। अब चलते हैं दुर्गाना मंदिर और वहां से लेंगे पतीसा, क्योंकि वहाँ का पतीसा बहुत फेमस है, देसी घी का बनाते हैं, बहुत फेमस है। अभी मेरे देवर का भी फोन आया था कि भाई आप क्या बोल रहे थे, हाँ आप बोले जरूर पतीसा जरूर लेके आना, मैं कहा मैं सबके लिए ले लूँ, मैं गला कवर कर लिया है, देख लो गला इन्हों बिल्कुल कवर कर लिया, बस मुँह ही मुँह है, वो भी मुंह से पहचाने जा रहे हैं, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चले मैं किसी और के साथ ही निकल जाऊँ। आदमी कौन है। बस अभी हम दुर्गाना मंदिर में पहुंच गए हैं, रिक्शे से, दो रिक्शे किए थे, तो अभी बस कंचन वगैरह ये सब ही अभी अंदर जा रहे हैं, तो अब आपको मैं दिखाती हूँ मंदिर का। बस मंदिर में एंट्री हो चुकी है, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा घंटी बजा रहा है, ये कंचन बजा, आप बजाओ, मैं बजा दूँ, हाँ। बस यहाँ से ये सारी एंट्री, ये साइड में बिल्कुल सरोवर है, ये वैसे का वैसे मैं बताऊं, जैसे अमृतसर गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा साहिब है, जैसे मतलब कि गुरुद्वारा अंदर और आसपास सरोवर, अच्छा, ऐसे ही सेम है, अच्छा, यहाँ भी मंदिर अंदर है, अच्छा, एंड सेंटर में, अच्छा, और आसपास सारा सरोवर है, सेम है, बिल्कुल सेम है। बस वो गुरुद्वारा साहिब है, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, अच्छा, सेम कॉपी है गाइस, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, बिल्कुल सेम का सेम वैसे बना, ऐसे ही तो अंदर एंट्री होती है, सेम कॉपी है, गुरुद्वारा साहिब में भी तो ऐसी होती है, बिल्कुल सेम कॉपी है। हाँ, यहाँ पर सत्यनारायण जी की कथा थी, इसलिए कपाट सारे अभी बंद है, कपाट कितने बजे खुलेंगे कपाट? 6 बजे खुलेंगे, अभी 10 मिनट है, तो सब ये पंडित जी सबको प्रसाद दे, पूरे 6 बज चुके हैं, बस आगे मंदिर में ही अपनी ट्रस्ट की दुकान है इनकी, तो यहाँ से मैंने प्रसाद ले लिया, पतीसे के डब्बे ले लिए। यहाँ पर ये फुहारे कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो कितना ऊंचा ऊंचा जा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैंने गोलगप्पे खा लिए हैं, सबने गोलगप्पे खा लिए हैं, मगर ये सिर्फ पानी पी रहा है, कह रहे मेरे गोलगप्पे खाने का दिल नहीं है, इन्होंने भी गोलगप्पे नहीं खाए और दीपू ने भी गोलगप्पे नहीं खाए, बाकी मैं खा चुकी हूँ और ये बच्चे खाए, हमने आज आटे वाले खाए हैं, बड़े टेस्टी रहे, और इन दोनों ये देखो लगी हुई है ठूसने,
हम चूस चुके हैं ये मत कहना। बस मंदिर से अब हम अपने होटल में आ गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं रात का क्या प्रोग्राम है। चलो ऊपर चलो भाई, आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ। बस हम रात का डिनर खाने के लिए बाहर निकले हैं। आज इच्छा हो रही है कि मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया जाए। बस इस रोड पे आ गए हैं। कल हमने हवेली में खाना खाया था। ये देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसका ये स्टैचू है, और उसके साथ ही कितना बड़ा चाय पॉइंट बना हुआ है। देखो चाय पॉइंट बहुत अच्छा रहता है। ये आ गया ब्रदर्स का ढाबा, हम यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए। देखो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, बहुत धूमधाम के हमने इसको किया था, सर्च करके इसको निकाला है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। पूजा कह रही है अंदर आते ही खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, किस चीज़ की आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, मिक्स थाली की आ रही होगी उसमें सब, नहीं सॉरी जो पूरी थाली बनी होती है उसकी आ रही होगी। अब देखते हैं क्या चलो चलो आज पीहू ऑर्डर करेगी, ठीक है पीहू आज बच्चे ऑर्डर करेंगे। मक्की की रोटी और सरसों का साग आ गया, साथ में प्याज है। मैं भैया को बोल रही थी मूली है तो थोड़ी सी ला दे, मूली भी अच्छी लगती है खाने में। तो ये सब सब और कुछ बनाए हैं, ये बच्चों के लिए मंगाए हैं तंदूरी रोटी बटर रोटी है ना। साग तो टेस्टी है कंचन, है ना, मस्त है ना। आप तो नहीं खाते, खा लेते हो साग? खाते हो क्या? पेप्सी मांग, पेप्सी अभी ला के दे भैया, पेप्सी ला दो बच्चों को। कल 3 बजे की हमारी ट्रेन है शाने पंजाब, तो कल हम यहाँ से 12:30 बजे होटल छोड़ देंगे तो जाएंगे रेलवे स्टेशन। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया Tarun Basera 9, मौज की भी Tarun Basera 9, उसको जाकर जल्दी से फॉलो करो। बाय बाय, यहाँ बहुत ठंड है, बस अब सोने की तैयारी करते हैं क्यों सुबह जल्दी उठेंगे, देखते हैं सुबह का क्या प्रोग्राम है।